नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 3 जुलाई 2023 और 3 जुलाई को CRPF ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का आपका पेपर था और आज के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट से, है ना। चलिए सबसे पहले तो आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद दूसरे शिफ्ट के, फिर पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे उनका कार्यकाल क्या था, यानी विजयनगर साम्राज्य के शासक के रूप में कृष्णदेव राय ने कब से कब तक शासन किया था, ये क्वेश्चन पूछा था आज के तीसरे शिफ्ट में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 1509 से 1529 ईस्वी तक, लगभग जो है इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया था, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने तो करीब 1000 बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है। तो देखिए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। इसका राइट आंसर हो जाता दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता दर कितना था, यानी ST जो आदिवासी मूल के लोग रहते हैं उनका प्रतिशतता कितना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाता साथियों 59.0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, सौर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था। तो देखिए, सौर मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था और ये द्रविड़ शैली के द्वारा निर्मित मंदिर है। देखिए साथियों, भारत में तीन शैलियों के द्वारा मंदिरों का निर्माण होता है, एक तो आपका द्रविड़ शैली, एक नागर शैली और एक होता है आपका वेसर शैली, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बंगाल में आने वाली आंधी को क्या कहा जाता है, नार्वेस्टर आपका राइट आंसर हो जाता है, नार्वेस्टर, इसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ग्वालियर घराना, देखिए ग्वालियर घराना की गायन शैली कौन सी है। अब ये क्वेश्चन मुझे सही रूप से मिल नहीं पाया है, तो साथियों ग्वालियर घराना की जो गायन शैली है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ही संबंधित है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अगर ऑप्शन में था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिल पाया है, अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिए, आज के तीसरे शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। गणपति महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी, ये भी साथियों 3 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए, गणपति महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और कब, तो 1892 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 बीजों के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितना होता है। तो देखिए 80 बीजों के लिए अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो होता है साथियों 240, 80 × 3, है ना, तो ये 240 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, भारतीय मौद्रिक नीति जो है ये RBI के अंतर्गत आता है साथियों, या भारतीय मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिन का होता है। अब देखिए, भारत में मानसून आता है जून में, जो कि जून जुलाई सितंबर तक रहता है। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर आपसे पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता 100 से 120 दिन की अवधि, है ना, याद रखना। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि नामधारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो देखिए, अगर ये पूछा था कि नामधारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाता पंजाब। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा था कि नामधारी आंदोलन कब शुरू हुआ था तो 1857 में, और अगर आपसे ये पूछा गया था कि नामधारी आंदोलन का संबंध किस धर्म से था तो सिख धर्म करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि 2021 में भारतीय कॉफ़ी का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है। तो देखिए 2021 में भारतीय कॉफ़ी का सबसे बड़ा आयातक देश बना है साथियों USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1952 में की गई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि चोल राजाओं के द्वारा इनमें से कौन सा मंदिर बनवाया गया था। इसका मुझे सही रूप से क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, ऑप्शंस भी नहीं मिल पाया है। तो देखिए, चोल राजाओं के द्वारा प्रमुख मंदिर बनवाए गए थे, जैसे कि तंजावुर का बृद्धेश्वर मंदिर, गंगेकुंड चोलपुरम का बृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, इसके अलावा साथियों देखिए दारासुरम का एरातेश्वर मंदिर,
ठीक है। अब जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था कि प्रस्तावना में संप्रभुता, एकता और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और अगर आपसे ये पूछा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष वगैरह जो हैं ये शब्द कौन से अनुच्छेद में या कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता 42वां, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों महान हिमालय, है ना, द ग्रेट हिमालया, याद रखिएगा। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था किन दो राज्यों का साक्षरता दर, ये महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो देखिए किन दो राज्यों का महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल और मिजोरम का। और साथियों ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सेकंड शिफ्ट के हैं, फिर फर्स्ट शिफ्ट का आपको कराएंगे, ठीक है। तो देखिए किन दो राज्यों का महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल और मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाता 1983 में। एक हिंदी का यमुना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था सेकंड शिफ्ट में, इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए यमुना का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है वो देख लीजिए, जैसे कि कालिंदी होता है, तरनी तनुजा होता है, सूर्यजा होता है, अज्य रवित नया होता है, जमुना होता है, कृष्णा रविसुता, कालगंगा भानुजा, अर्कजा अक्र यम भागिनी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक था कि किराना घराना का संबंध किससे है, तो देखिए किराना घराना का संबंध जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घरानों में से एक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत होना चाहिए था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अलाउद्दीन खिलजी ने मुगलों से रक्षा के लिए कौन सा शहर बसाया था, यार आज ही शाम में करीब 5:30 के आसपास मैंने दिल्ली सल्तनत का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है आपको, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिल्ली सल्तनत का 55 क्वेश्चन है उस वीडियो में, और मैं गारंटी देता हूं साथियों 100% कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन्हीं 55 क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना। आप लोग आज ही प्रोवाइड कराए हैं, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के हर शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, और देखो आज पूछ लिया, ठीक है। तो साथियों उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो याद रखिएगा सीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो सीरी का किला के नाम से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, सीरी, ठीक है, जो कि मुगलों से रक्षा के लिए ये बनवाया गया शहर था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। एक क्वेश्चन था दिसंबर 2021 में नीना गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो साथियों बीजगणितीय के लिए उच्चतम प्रयास के लिए इनको रामानुजन पुरस्कार दिया गया था, रामानुजन पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था साथियों, देखते हैं फटाफट से कि बक्सर के युद्ध में इनमें से कौन शामिल था, ऑप्शन में आपका मीर कासिम दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से नेता से प्रभावित थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता महात्मा गांधी से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डोल्लू कुनिथा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, और आज के ये पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाता कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर से बोल रहा हूँ साथियों, दिल्ली सल्तनत का जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है आज शाम में 5 बजे, जिसमें 55 क्वेश्चन है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए अगर आप लोगों का पेपर बाकी है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और देखिए चैनल के अंदर जाओगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता बिहार। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% था 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि सबसे कम था। भारतीय संविधान का मेघना काटा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता संविधान के भाग 3 को। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सांची का स्तूप कहाँ स्थित है,
तो साथियों सांची का स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका अगर जगह पूछा था राज्य तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, हिंदी का क्वेश्चन था ये। तो देखिए पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीही समास इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सांप का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। आपको बिल्कुल सुपर फास्ट आज ये क्लास करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जो रहते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी ये क्लास आपको करवा देते हैं बिल्कुल सुपर फास्ट। तो सांप का पर्यायवाची शब्द होता है सर्प, नाग, बिषधर, ब्याल, भुजंग, उरग, अहि, पन्नग। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता। आग का भी पर्यायवाची शब्द पूछा था कि आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, इसका भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए आग के सारे ही प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु, अग्नि, दहक, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, बेश्वानर, सूची, ज्वाला आदि, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एनी बेसेंट इनमें से किसमें शामिल नहीं थी, है ना। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ऑप्शन में शायद आपका एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी था, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता। बाकी आपका थियोसोफिकल सोसाइटी था ऑप्शन में, या फिर आपका होम रूल लीग था, तो उन सभी में तो ये शामिल थी ही। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो देखिए अगर भाग पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता पूर्वी भाग, ठीक है। देखिए पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड पटकाई सीमा के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंडमान द्वीप की, देखिए अंडमान द्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए अंडमान द्वीप की सबसे ऊँची चोटी है सैडल पीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सैडल पिक। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध किन दो शासकों के मध्य में लड़ा गया था। तो देखिए साथियों चंदेरी का जो युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था 1528 ईस्वी में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि लाल कुर्ती आंदोलन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो देखिए लाल कुर्ती आंदोलन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। कब, तो साथियों 1930-31 में। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान इनका उपनाम सीमांत गांधी है, याद रखना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अकाली आंदोलन किससे जुड़ा था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों सिख सुधार आंदोलन से। देखिए आपको इसके बारे में बता दें, तो अकाली आंदोलन भारत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए एक अभियान था, इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन 1925 के बीच में सक्रिय था। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बंद विभाग के लोगों के लिए था, मतलब इनमें से क्या बंद विभाग के लोगों के लिए था, है ना। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था और क्वेश्चन भी सही रूप से नहीं मिल पाया था, अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिए। एक क्वेश्चन ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाता डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बंगाल की महिलाएं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा नृत्य करती हैं, है ना, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता ब्रीता नृत्य। साथियों ब्रीता नृत्य आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए आँख का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी नज़र, अच्छ, चश्मा, है ना। इनमें से कोई भी एक आपको ऑप्शन में रहा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आज इस वीडियो में CRPF ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के 3 जुलाई के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के GK GS और कुछ क्वेश्चन हिंदी के जो मुझे मिल पाए थे वो मैंने करा दिया। अब जिनका पेपर आने वाले दिनों में है आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली सल्तनत का जो वीडियो मैंने बताया अभी आपको, उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।